नमस्कार एम डी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुची श्री। तो जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 ऐसी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 10 ऐसी विधानसभा है जहां पे अब उपचुनाव होना है। उसमें से एक फूलपुर भी विधानसभा है। आपको बता दें, फूलपुर के जो पूर्व विधायक थे प्रवीण पटेल जी, अब वो सांसद बन चुके हैं, तो उनकी जो सीट है विधानसभा की अभी वो खाली है। तो विधायक के लिए काफी सारे दावेदार हैं। जैसे कि आप सबको पता है, बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने अपना अभी कैंडिडेट उतारा नहीं है, अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है, लेकिन बसपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। तो चलिए, अभी हम आ गए फूलपुर के समरा गांव में। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पीछे यहाँ की जनता है। तो आइए हम लोग जनता से जानेंगे कि यहाँ का मूड क्या है चुनाव को लेकर, वो किसको वोट करेंगे और क्या मुद्दे लेके वो जाएंगे वोट करने के लिए। तो आइए जनता से पूछते हैं और आपको भी बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप बताइए कि आप क्या सोच के जाएंगे इस बार वोट करने। हम इस बार जाएंगे कि सर्व समाज और सभी समाज के विकास के लिए, सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था जी, और जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात होती है, संविधान की बात होती है, उसको बचाने के लिए हम बसपा की तरफ जा रहे हैं। बसपा को? अच्छा, ठीक है, बसपा की तरफ जा रहे हैं। चलिए, आप लोग बताइए कि आप क्या सोच के जाएंगे वोट करने। आप बताइए, आप क्या मुद्दा लेके जाएंगे वोट करने। हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जी। ये बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है जी। और उसी मुद्दे के कैंडिडेट हमारे सुवर्ण पासी हैं जी। हम लोग सुवर्ण पासी एक तो जनरल शेड्यूल कास्ट चुनाव लड़ रहे हैं जी। हमारा पूरा शेड्यूल कास्ट इकट्ठा होकर के इस बार शेड्यूल कास्ट पूरा इकट्ठा होकर हमारा कम लम से कम 120,000 मतलब 1,20,000 वोट केवल शेड्यूल कास्ट का है जी। अगर हमारी पूरी पूंजी इकट्ठा हो रहा है, और बड़ा अच्छी बात यह है कि जनरल सीट हमारा पूरा शेड्यूल कास्ट इकट्ठा हो रहा है, पूरा लोग वोट दे रहे हैं, सुवर्ण पासी इस बार चुनाव जीत जाएंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं। आप बताइए, आपको आप अपने गाँव में क्या समस्या देख रहे हैं? हम अपने गाँव में ये समस्या देख रहे हैं कि पासी समाज को सबको पीछे कर रहे हैं जी। बस पीछे जो कर रहे हैं, इसको आगे करने के लिए कुछ न कुछ उपयोग करना चाहिए। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनको आगे अब जाना चाहिए। चलिए, आप बताइए, आप लोग बताइए, अब कैसा नेता देखना चाहेंगी, कैसा नेता देखना चाहेंगी आप? बहन मायावती सुवर्ण पासी के वोट देंगे। अच्छा, सुवर्ण पासी जी को वोट देंगे। आप बताइए कि आप महिला तो बहुत सुरक्षित है अभी, है कि नहीं? है? हाँ। अच्छा, आप किसको वोट देंगी, किसको जिताएंगी? बिरादरी को वोट देंगी। अच्छा, बिरादरी को वोट देंगे। हाँ, ठीक है। मोदी सरकार तो बहुत राशन दे रही है, तब भी राशन एक दिन में 5 किलो कई दिन में खाया ना। अच्छा, तो राशन से नहीं मानेंगे, देते हैं किसी का कार्ड देते हैं, का जरूरी है? और मोदी सरकार इतना लड़कियों को तो पढ़ा भी रही है, कहाँ पढ़ावा तो है, कितना देता है लड़कियों के? नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए आप बदल देंगे आपकी? हाँ। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो महिलाएं, उनका कहना है कि मोदी सरकार कोई काम नहीं करती है। चलिए, आप बताइए कि आप इस बार क्या मुद्दा लेके जाएंगे वोट करने? शिक्षा मुद्दा ले जाएंगे, और यह शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है यहाँ पर जी, और समाज पिछड़ा हुआ है। हम चाहेंगे यहाँ के बच्चे जो है पढ़े, आगे बढ़े जी, शिक्षा का लेवल आगे उठे। देखिए, मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो नहीं उस पे, उस मुद्दे में वोट नहीं करेंगे? नहीं, उस पर वो तो कहने के लिए है ना जी, उस पर समाज को तो हाँ, शिक्षा पर ज्यादा जोर जा रहा है। अच्छा, तो फिर कैसा विधायक आप देखना चाहेंगे? जो शिक्षा को लेवल उठाए और समाज को उठाए, शिक्षा करे, जो प्रवास कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा का लेवल किया जाएगा तो ठीक रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग कौन है कि हाँ शिक्षा का लेवल उठा सकते हैं, पढ़ा सकते, कौन ऐसे विधायक है बनना चाहेंगे? जी, मैन जी हैं, यही किए हैं बहुत काम अच्छे से। अच्छा, चलिए, बहन जी है। चलिए, और भी चलते हैं। आप बताइए कि आप क्या समस्या देख रहे हैं अपने गांव में? हम तो जो सबका साथ, जो सबका विकास करेंगे उनका साथ देंगे जी। मायावती की सरकार में जी विकास हुआ है जी, अच्छा विकास हुआ छोटे लोगों का जी, इसलिए हम उनके साथ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के उस सत्ता पार्टी में नहीं हुआ है विकास, वो तो इतना विकास कर रही है बीजेपी सरकार। तो यहाँ जमीनी विकास नहीं कर रहे, हवाई विकास हो रहा है, हवाई विकास हो रहा है। चलिए, आप लोग बताइए, आप लोग भी वोटर्स हैं, तो आप लोग बताइए, जैसे कि आप लोग महिला, तो मोदी सरकार तो बहुत अच्छा महिलाओं के लिए स्कीम निकालती है, एजुकेशन में बढ़ावा कर रही है, तो आप बताइए आप क्या सोच रही है? मोदी सरकार तो कुछ भी नहीं की, हम अच्छे से जानते हैं। कुछ नहीं की है? कुछ भी नहीं की है। अच्छा, मोदी सरकार कहती है स्त्रियों को आगे बढ़ाया जाए। सबसे अच्छा काम मायावती जी ने किया है, मोदी कुछ भी नहीं किया है। लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मोदी कुछ भी नहीं किए है, सबको बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं। अच्छा, आप बताइए आप किसको वोट करेंगी? यही सिवरन को चाहते हैं। तो यहाँ देख रही है, यहाँ के लोगों का जो कहना है
है कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। चलिए आप बताइए कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में इतनी मजबूती से लड़ा है, बीजेपी सरकार को आप जानते सत्ता पार्टी है, तो ये जो उपचुनाव होता है वो सत्ता शासन सत्ता का चुनाव होता है, तो आपको कैसे लग सकता है कि हाँ शिवरंजन पासी जी आगे बढ़ सकते हैं या जीत जाएंगे? पहले सत्ता का होता था लेकिन अब नहीं है जी, अब जनता का सत्ता होता है। जब जनता जब ज्यादा इकट्ठा होता है तो लोग जो है उसके साथ जीतते हैं जी। अब सत्ता वाले जितने होते हैं पहले बेईमानी करके जीत लेते थे जी, अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारी जनता इकट्ठा हो गई है, हमारे पास 1,20,000 वोट इकट्ठा आवाम शिवरंजन पासी साहब खड़ा हो गया है जी। अब इसको कोई हरा वरा नहीं पाएगा, ये फालतू जो है ये सत्ता का लालच दिखा रहे, डर दिखा रहे हैं, कुछ किस नहीं होगा जी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि अब शासन सत्ता का जो चुनाव होता है वो नहीं है, अब जो जनता है वो इकट्ठा होकर वोट करेगी। चलिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है, बीजेपी सरकार इतना बड़ा बड़ा काम कर रही है, तो आप बताइए आप क्यों हटाना चाहते हैं, आप क्यों बदलना चाहते हैं विधायक? बीजेपी सरकार ने बड़े लोगों को काम किया जी, गरीब को काम नहीं किया है जी। ये मानिए बहन जी की सरकार में काम हुआ है, अच्छा आज तक एक दिन का काम बीजेपी ने नहीं किया है। लेकिन 3 बार विधायक तो प्रवीण पटेल जी रहे हैं, आप ही लोग वोट देते हैं ना उनको? देखिए ये लोग बड़े लोग व्यापारी हैं, नेता नहीं हैं। अच्छा। कहीं आप पार्टी कहीं वहाँ पार्टी, जो पार्टी बढ़ी चढ़ी चलती है उसमें ढनक जाते हैं। अच्छा ढनक जाते हैं। हाँ हाँ हम लोग वोटर है, ढनगने वाले नहीं है। तो आप इस बार किसको आप विधायक बनाएंगे? हम लोग हाथी, हाथी पे हाथी का बटन दबाएंगे। अच्छा भरपूर जैसे देख रहे हैं जो सेमरा गाँव है वहाँ पे जो माहौल बना हुआ है वो हाथी के बटन के ऊपर ज्यादा दबाव दिया जा रहा है कि हाँ वो उसकी सरकार आनी चाहिए। आप लोग बताइए आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह का विधायक होना चाहिए? अच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, जब करके रही थी, जब से मोदी हुआ है कोई काम नहीं, बच्चों के पढ़ाने लिखाने को सब बंद कर दिया। अच्छा तो बच्चों को पढ़ा सब बंद कर दिया है मोदी सरकार ने। अच्छा ये बताइए सिर्फ मायावती जी क्यों? इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव भी नेता है और नाम सुनी होंगी राहुल गांधी जी का, वो भी तो नेता है, उनको क्यों नहीं चुनना चाहते? उनको नहीं, उनको दूसरी मायावती। अच्छा सब मोदी महंगाई दिए हैं, सब महंगाई बड़ा मुद्दा है। अच्छा आप बताइए आप क्या कह रही थी? आप कहा था कि जितना मोदी जस बहन कुल बड़े के भल लेता है, बड़े के उजीफा देता है, पासी चमार को उजीफा नहीं देता है, कोई कोई सुनाई नहीं है, उनकर कगदे तेल में। अच्छा हाँ तो जैसा कि देख रहे हैं इनका ये कहना है कि जो मोदी सरकार है वो बड़े लोग का ही काम सिर्फ कराती है, छोटे लोग का नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ का जो गाँव है, आप बताइए कि आप अपने गाँव में क्या समस्या देख रही है अभी? हमारे गाँव में तो बहुत समस्या है, जैसे कि गरीबी सबसे पहले, इतनी सब चीज इतना महंगा कर रही है, कोई खरीद नहीं सकता, इतना ज्यादा महंगा कर रही है, राशन दे रहे तो क्या हुआ, और सब तो खर्चे है ना ऊपर जी बिल्कुल। और गांव में गांव का विकास कैसा है आपका? लाइट बिजली आती है? बिजली आती है, बिल देना पड़ता है और क्या, बिल तो हर जगह देना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं गाँव का विकास हुआ है? नहीं गाँव का विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ, मोदी के राज में कभी ना हुआ है ना होगा जब तक वो रहेंगे। और जो पहले के जो विधायक रहे वो कभी आते थे? हम तो जानते हैं जितना अच्छा मायावती ने काम किया है मोदी नहीं किए। अच्छा जितना अच्छा मायावती काम किए हैं उतना अच्छा मोदी नहीं किए हैं। चलिए आप लोग और भी जानते हैं, आप लोग बताइए कि आप लोग क्या मुद्दा लेके आप क्या मुद्दा लेके जाएंगे वोट करने? अरे मुद्दा तो सरकार ऐसे कर दिया है जी, न तो रोजगार दे रही है जी, न शिक्षा दे रही है जी, न नौकरी दे रही है, नौकरी छीन रही है जी। अल्पसंख्यक दलित वर्ग वंचित वर्ग ये SC ST सबको परेशान कर दिया सरकार ने। तो आप बताइए कि किस तरह का विधायक होना चाहिए फूलपुर का? जो सरकार सबका विकास करे, सारे कार्य करे जी, जैसे हमारे इस समय खड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के बहन जी ने खड़ा किया है शिवरंजन पासी को। अच्छा तो ये बताइए जो इंडिया गठबंधन है वो PDA पे जोर दिया है लोकसभा का चुनाव, उसने बहुत अच्छा लड़ा है PDA के जोर पे, तो आप बताइए फिर इस बार PDA क्यों नहीं? अरे तो PDA जो PDA है वो कहाँ काम कर रही है PDA का जी, हाँ वो तो अपना काम बना के चली गई, चली गई मतलब कि वो धोखा था सिर्फ, चलावा था, हाँ चलावा भ्रम। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि जो PDA का नारा था, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, जो PDA का नारा था वो सिर्फ छलावा था, वो सिर्फ चुनाव के माहौल पे उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन अब उस पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप बताइए कि PDA का नारा क्यों काम नहीं कर रहा है? मैं पहले आपका धन्यवाद, मीडिया प्रभारी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस सेमरा गाँव में आप कवरेज करने आई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। और हम अपने हमारी बहन जी की जो सरकार चल रही थी सारे लोग जानते हुए हैं,
2007 की सरकार क्या थी, आज की सरकार क्या है, बलात्कार से लेकर के भाजपा सरकार के बंदे और उनके कार्यकर्ता बलात्कार कर रहे हैं, उनको तुरंत बेल मिल जा रहा है, और लोगों का जो एससी समाज के जो ठाकुर समाज के जो और लोगों की सरकार के बंदे फंस रहे हैं उनका तुरंत बेल 4 साल 2 साल 3 साल गरीबों को लग रहा है जी। और इसके बाद बहन जी ने बिना पैसे की टिकट हमारे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, कोई पैसा का लेन देन नहीं, लोग उछावला डालते हैं, 1 करोड़ रुपए ले लिए, 2 करोड़ ले लिए, एक गरीब बंदे का सरकार ने बहन जी ने जी। गरीब लोगों का एक टिकट दिया है जिससे पासी समाज और ब्राह्मण समाज, में सूर्योदय मिश्रा ब्राह्मण समाज से आता हूँ मैं, इनके साथ हूँ और पूरे पासी समाज एक बार इकट्ठा हो करके इनको विधायक बनाने का काम करेंगे। अच्छा ये बताइए योगी सरकार तो कहती गुंडा राज खत्म हो गया है। ठाकुर जी हैं, ठाकुर समाज का इनका सरकार है जी। मैं सीधा बोल रहा हूँ उनका ठाकुर समाज का सरकार है, ब्राह्मणों का कोई हित नहीं हो रहा है ना कोई कार्यक्रम हो रहा है उनका जी। ये सीधा ठाकुर समाज का उनका कार्यक्रम चल रहा है इस समय, और गुंडेगर्दी का सरकार है, कहीं बुलडोजर बंद तो कहीं इनकाउंटर चालू तो कहीं ये तो 200 कार्यक्रम उनका चल रहा है, ये ठाकुर सरकार है। चलिए अच्छा आप बताइए कि जिस तरह से बसपा इतने साल से हार रही है, अभी लोकसभा चुनाव में उसको एक भी सीट नहीं मिली, तो आप कैसे कह सकते हैं कि विधायक के लिए शिवरण पासी बेस्ट रहेंगे या फिर वो जीत जाएंगे? पहला चीज तो बीएसपी कभी हारती नहीं, उसका हमेशा एक बराबर, हाँ कभी कम ज्यादा हो सकता है, तो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं पाई। हाँ मैं वही बता रहा था, वोट कम ज्यादा हो सकता है लेकिन बीएसपी हमेशा चुनाव मैदान रही, आज भी बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है जी। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जब बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है ऑलरेडी चुनाव मैदान में, आज नहीं कल लोग आएंगे। इस बार जी, इस बार जो उपचुनाव है, बहन जी बहुत दिन के बाद उपचुनाव लड़ रही हैं जी, और 10 सीट पर बहन जी ने सबसे पहले कैंडिडेट उतार दिया जी। जब पहले कैंडिडेट उतार दिया, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है जी। और यहाँ सीट पर तो शेड्यूल कास्ट जो हमारा कैंडिडेट आ रहा है, इससे हमारा पूरा शेड्यूल कास्ट है अभी तक 40 से 74 साल दूसरे देता रहा जी। इस बार इसको मौका मिला कि इसका खुद का बिरादरी है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और इसलिए सारे लोग मिलकर इनको वोट कर रहे हैं। और दूसरी बात जी, बहन जी की जो बात कर रहे हैं जी, बहन जी पूरे भारत के सबसे नंबर एक जी और रणनीतिकार नेता है, आवाज उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। चलिए तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इनका कहना है कि बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। चलिए आप बताइए आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार कहती है गुंडा राज खत्म हो गया है, जो स्त्री है वो बड़ी सुरक्षित है, तो आप बताइए इस पे आप क्या कहेंगी? कुछ नहीं सुरक्षित है यहाँ, जो जो लड़कियां हैं यहाँ सब लड़कियों को नीचा दिखाया जा रहा है। मोदी सरकार ने सिर्फ बड़े लोगों को काम दिया है, उनको सपोर्ट किया है। हम चाहते हैं कि बहन माया कुमारी जीते, मायावती जीते। अच्छा तो इनका यहाँ पे कहना है कि हाँ बहन कुमारी मायावती जी का जो प्रत्याशी जिन्होंने उतारा है शिवरण पासी जी को, उनको वोट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बसपा के तरफ झुकाव ज्यादा है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार इतने बड़े बड़े काम किए, इतना विकास किया है, तो विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कैसे बहुजन समाज पार्टी जीत पाएगी, क्योंकि सत्ता पार्टी विकास, विकास अभी चल करके दिखा देते हैं आपको एकदम, ये रोड है जी, ये नाली है, सारे चीजें विकास आपको यहीं तुरंत साक्ष दिखा देते हैं। अच्छा ये बताइए जो उपचुनाव होता है कहा जाता है वो शासन सत्ता का चुनाव होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, अब सरकार तो उनका है ही है जी, और यहाँ के विधायक जी हमारे प्रवीण पटेल एक बार हारे फिर सांसद बन गए जी, 10-20-150 वोटों से जो थोड़ा बहुत 19-20 होता है वो उनका खेला हो जाता है जी। हमारे बगल में केशव प्रसाद मौर्य जी है जी, उनका बड़ा योगदान रहता है इनको गिराने चढ़ाने उतारने में जी, और बाकी हम लोग वोटिंग करते हैं, भरपूर वोटिंग होता रहता है। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, बाकी इधर भारतीय समाज है, बाकी हमारे इस बार शिवरण पासी जी को विधायक बनाना है, तय है जी। अच्छा। हम लोग बूथ पे लगे रहेंगे, बैठे रहेंगे। चलिए इस बार धरना। चलिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार कैसा विधायक आना चाहिए? ठीक है सब ठीक है, चलिए सब ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो सिमरा गांव है वहाँ पे जो झुकाव है बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, उनका कहना है कि यहाँ पे जो विकास हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी के समय का ही हुआ है, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी की आए हैं प्रवीण पटेल जी जब बने हैं विधायक, तो ये देख लीजिए वो उनके राज्य में जो है उनके सत्ता उनके कार्यकाल में देख लीजिए इस तरह से हो गया है यहाँ का हालत। यहाँ मतलब अगर विकास की बात करें तो गांव में विकास नहीं हो रहा है, और अभी इस वक्त हम सिमरा गांव में, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं है, नाली देख रहे हैं एकदम भरी हुई है और इसका कोई निकलने की जगह नहीं है।
ये सेमरा गांव का विकास है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये सेमरा गांव का विकास है भाजपा के कार्यकाल में। और इनका ये भी कहना है कि ये जो रोड वगैरह बनाई गई है वो बहुजन समाज पार्टी के वक्त बनाई गई है। तो चलिए अभी हम आपको, जैसा कि हमने आपको बताया अभी हम सेमरा गाँव में थे, तो अभी हम फूलपुर के सेमरा गांव में थे। यहाँ की जनता से हमने जाना उनका मूड, कि उनका क्या मूड है उपचुनाव को लेकर, और किस तरह का विधायक वो देखना चाहेंगे इस बार, क्या उनको किस तरह का विधायक चाहिए और क्या समस्या है उनके गांव में, क्या मुद्दे लेके जाएंगे वो वोट करने के लिए। तो यहाँ के लोगों ने हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि बेरोजगारी विकास बड़ा मुद्दा है और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जो सेमरा गांव है वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। जो प्रवीण पटेल जी थे, इनका आरोप है कि जो प्रवीण पटेल जी थे वो कोई काम नहीं किए, कोई विकास नहीं किए हैं। तो इस बार विधायक बदलना चाहिए और इस बार बसपा के जो कैंडिडेट हैं शिवरण पासी जी वो विधायक के रूप में आना चाहिए। तो उनको ये देखना चाह रहे हैं। तो अब ये वक्त बताएगा कि कौन बनेगा फूलपुर का नया विधायक, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है अभी बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है, लेकिन मायावती ने उतार दिया है शिवरण पासी जी को। अब ये वक्त बताएगा, देखने वाली बात होगी कौन बनेगा फूलपुर का नया विधायक। तो चलिए हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे और ऐसे भी नए नए गाँव में चलेंगे और वहाँ पे सर्वे करेंगे कि वहाँ का क्या मूड है उपचुनाव को लेकर। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमटी टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुचित्री, वीडियो शर्मा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।